Subscribe my channel and click the bell icon to never miss my any updates. Hey guys, welcome back to my channel abc.divya. आज हम बनाने वाले गुलाब जामुन वो भी चॉकलेट के स्टफिंग के साथ. आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे. चॉकलेट गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने मावा लिया है, शक्कर, मैदा, इलायची पाउडर, केसर, चॉकलेट, घी तलने के लिए और पानी. हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं. हमने 600 ग्राम शक्कर ली है और उसमें लगभग 200 ग्राम पानी और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे. हमारी शक्कर मेल्ट हो गई है. अब हम केसर डालेंगे, इलायची पाउडर और गुलाब जल. ये ऑप्शनल है. और ऐसे मिक्स कर लेंगे. हमारे गुलाब जामुन की चाशनी तो बन ही गई है. अब हम गुलाब जामुन बनाते हैं. हम एक थाली में मावा लेंगे. इसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसे मिक्स करके अच्छे से मथेंगे. हम इसे अपनी हथेलियों से अच्छे से मथेंगे. हमारा मावा मथा गया है. अब हम मावा लेंगे और इसके बॉल बनाएंगे और इसमें ऐसा गड्ढा करेंगे. और हमने चॉकलेट का इतना बड़ा पीस लिया है, इसके अंदर डाल के इसे अच्छे से बंद कर देंगे और इसे गोल गोल कर लेंगे. ऐसे ही हम सब बना लेंगे और इसे तल लेंगे. हमारे सारे गुलाब जामुन बन गए और हमारा घी भी गर्म हो गया है. हमें ज्यादा गर्म घी नहीं चाहिए और हम हमारे गुलाब जामुन को डालेंगे. हमारे गुलाब जामुन का कलर आ चुका है. अब हम इसे चाशनी में डालेंगे. इसे ना चाशनी में भिगोएंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन में चाशनी अंदर तक चले जाए. हम हमारे चॉकलेट गुलाब जामुन को सर्व करेंगे. ये बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं. चॉकलेट गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गए हैं. हम चॉकलेट गुलाब जामुन को टेस्ट करेंगे. इसके अंदर पूरी चॉकलेट भरी हुई है. टेस्ट करते कैसा लगता है ये टेस्ट में. इट्स सच अ डिलीशियस. आप एक बार इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं. हमारे चॉकलेट गुलाब जामुन एकदम चॉकलेटी बने थे. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. अगर आपको मेरी चॉकलेट गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब ऑन माई चैनल abc.divya. बाय.